नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो भी हमारा इंतज़ार था अभी गत एक वर्ष से कि जो जेई मेन का एग्जाम हमारा एग्जामिनेशन है वो कैसा होगा क्या होगा, आज हमारे सामने वो पेपर है। उसके पेपर के सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। फिजिक्स में हम चालू कर रहे हैं कोड D31 क्वेश्चन से। जो हमारा पहला सवाल है वो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ए विद अ हाफ लाइफ टी डिकेज इनटू न्यूक्लियस बी एट टी इक्वल्स टू जीरो देयर इज नो न्यूक्लियस बी एट सम टाइम टी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए इज 0.3 देन टी इज गिवन बाय ये हमारा पहला वाला सवाल है। तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस वाला अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को बोला गया कि जो अपना ए से बी अपना बन रहा है, क्या बन रहा है, ए से बी, और क्या बोला है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ए विद अ हाफ लाइफ टी, हाफ लाइफ टी हम सब लोग जानते हैं टी इक्वल्स टू एल एन टू बाई लेमडा, वेयर जो अपना लेमडा अपना जो कांस्टेंट होता है उसके बारे में अपन जो जानते हैं। अपना जो रेडियोएक्टिविटी का फॉर्मूला है वो है एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, वेयर एन नॉट इज द कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, जिसे हम एन ए बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टी इक्वल्स टू जीरो देर इज नो न्यूक्लियस बी, टी इक्वल्स टू जीरो पर अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे ए का कंसंट्रेशन था एन नॉट और बी का कंसंट्रेशन था जीरो। उन्होंने बोला एट सम टाइम टी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए इज 0.3, यानी कि एन बी बाई एन ए हमें बोला गया 0.3। एन बी वो है जो बन जाएगा किसी भी टाइम टी पर, जो ए बचेगा वो कितना होगा, वो होगा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ फॉर्मूले से, और ये कितना होगा जो इसमें से घटके बचेगा, क्या वो ही ये वाला बचेगा, बिल्कुल, यानी कि इनिशियल था इतने अभी ये बचे हैं तो ये कितने हो गए, ये बच गए एन नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी। ध्यान से देखें एकदम, तो ये हमारा हो गया एन बी, ये हमारा क्या हो गया एन बी, ये हमारा क्या है एन ए, इनका रेशो एन बी बाई एन ए का रेशो क्या दिया गया है 0.3। चलो भाई एन बी बाई इसका रेशो लिख लेते हैं, एन नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी बाई एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी इक्वल्स टू 0.3, दिस इज द वैल्यू विच वॉज गिवन टू यू। एन नॉट ने एन नॉट को खत्म कर दिया, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ई वन माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी इक्वल्स टू 0.3 ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये अपने को दिखाई दे रहा है। अगर अपन बहुत अच्छे से देखें तो अपने को दिखाई देगा वन इक्वल्स टू वन बाई वन वन इक्वल्स टू इधर ले जाएंगे तो 1.3 ई की पावर माइनस लेमडा टी, अपने को दिखाई देगा 1/1.3 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये अपने को दिखाई दे रहा है। अच्छे से दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग 1.3 इधर देखेंगे तो माइनस लेमडा टी, उधर देखेंगे तो लेमडा की ln 2, जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को ऑप्शन नजर आएगा कौन सा, टी इक्वल्स टू टी लॉग 1.3, कैलकुलेशन है सिंपल 1.3 बाई लॉग 2। सिंपल सवाल रेडियोएक्टिविटी से, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 32, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन टी ऑफ वाटर बाय कैपिलरी मेथड, डायमीटर ऑफ कैपिलरी डी इक्वल्स टू 1.25 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, राइज ऑफ वाटर एच इक्वल्स टू 1.45 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, यूजिंग जी इक्वल्स टू 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द सिंप्लीफाइड रिलेशन टी इक्वल्स टू आर एच जी बाय 2 इनटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर, द पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंशन इज क्लोजेस्ट टू। पहली बात, हमसे एरर का सवाल पूछा जा रहा है, हमको फॉर्मूला लगाना है टी इक्वल्स टू आर एच जी बाई 2। हम एरर जानते हैं, हम सबको क्लियर है कि हम एरर कैसे निकाला करते हैं। पहली बात, इसमें जो वैल्यूज दी है उसमें आर और एच में एरर माना गया है, जी में एरर नहीं माना गया है। अगर आप थोड़ा सा जी के एरर को मान भी लोगे तो भी आंसर में नेग्लिजिबल ही चेंज आएगा, कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो हम आर और एच को वेरिएबल यानी कि उसमें एरर कंसिडर कर रहे हैं, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो टी में एरर आएगा उस पर बात करते हैं। एरर लेने का तरीका हम सब लोग जानते हैं, पहले हमें लॉग ले लेना चाहिए, log t इक्वल्स टू log r प्लस log h प्लस log g माइनस log 2, ऐसे अपन लिखते हैं। अपन सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कैसे अपन लिखते हैं। दोनों तरफ अगर अपन डिफ्रेंशिएट कर लें तो इधर लिखा जाएगा dt टी बाई टी डी आर बाई आर प्लस डी एच बाई एच। इसको हम जीरो कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने g को भी कांस्टेंट माना है और हमने 2 को भी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है ही, तो इसे हम गायब कर देते हैं। dr by r को हम लिख सकते हैं dd by d, क्यों, क्योंकि ये दोनों 2-2 से डिवाइड होंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई चिंता वाली उसमें बात नहीं है। तो हमने लिखा dt by t equals to dt by t equals to dr यानी कि dd by d plus dh by h। बात आती है कि सर हमें dt by, हमें बेसिकली निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमें चाहिए dt by t, क्या पूछा गया, द पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंशन इज, वो हमसे पूछा गया है। अगर हम बहुत बेसिक सी बात करें तो dt by t into 100 हमें वैल्यू चाहिए, हमें d के लिए पता है, यस हमें d के लिए पता है 1.25 10 टू द पावर माइनस 2,
जो हमें गिवन है 1.25 इंटू 10^-2। क्या हमें एच की वैल्यू पता है? यस, हमें एच की वैल्यू भी पता है, कितनी? 1.45 इंटू 10^-2। परफेक्ट। क्या हमें डी डी और डी एच की वैल्यू पता है? यस, उसने डायरेक्टली नहीं बोली है, पर आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर को आपने पढ़ाई करी है तो आपको समझ में आएगा कि उसने बोला हुआ है 1.25 एंड 1.45। हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये हम अपने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की मदद से इनको मेजर करा जाता है इन सबको। उन्होंने दो दो सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा लीस्ट काउंट है 0.01, इन द सेम वे यहाँ पे भी हमारा लीस्ट काउंट है 0.01, यानी कि इसकी वैल्यू है 0.01 और इसकी वैल्यू भी है 0.01। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डी टी बाई टी इंटू 100 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी? 1.5%। कितनी निकल के आएगी? 1.5%। तो इस सवाल का जो आपका सही आंसर है वो है 1.5%। थैंक यू। कोडी क्वेश्चन नंबर 33। सवाल है, एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी टू हिट अ मेटेलिक टारगेट टू प्रोड्यूस एक्सरेज। इट प्रोड्यूसेस कंटीन्यूअस एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इफ लैम्डा मिनिमम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इन द स्पेक्ट्रम, द वेरिएशन ऑफ लॉग लैम्डा मिनिमम विद लॉग वी इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। जब हमने पड़ी थी एक्सरेज तो हम जानते हैं कि जो भी अपने को एनर्जी मिलती है क्यू वी की फॉर्म में, वो जब पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है अपने उसके फोटोन की एनर्जी में, तो लैम्डा मिनिमम निकल के आता है, क्योंकि जिसकी लैम्डा मिनिमम होगी इसकी मैक्सिमम फोटोन एनर्जी होगी। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है वो है क्यू वी या ई वी, जो भी आप बोलना चाहें। तो लैम्डा मिनिमम का जो अपना फॉर्मला निकल के आया वो निकल के आया एच सी बाई क्यू वी और ई वी जो अपन बोले। तो अपन ने जब इसको बात कर ली तो लैम्डा मिनिमम का ये फॉर्मला है, दोनों तरफ हम लॉग ले लें क्योंकि हमको ग्राफ बनाया गया है लॉग लैम्डा मिनिमम और लॉग वी का, यानी कि अपन ने ग्राफ बनाया लॉग लैम्डा मिनिमम, लॉग लैम्डा मिनिमम लॉग ऑफ एच सी बाई ई जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, माइनस लॉग वी, माइनस लॉग वी, अगर हम बहुत ध्यान दें तो माइनस लॉग वी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इसे अपन कंपेयर करें वाई से, किससे कंपेयर करें? वाई से। अगर ये हमें दिख रहा है वाई और ये क्या है एक कांस्टेंट सी माइनस एक्स, क्या ये ऐसी इक्वेशन दिखाई दे रही है? अब अपन सोच के बता सकते हैं कि इस वाले का अपना आंसर क्या होगा। अपना आंसर होगा 2। थैंक यू। कोड डी क्वेश्चन नंबर 34। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज आई। What is the ratio of L by R such that the moment of inertia is minimum? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अगर हम कोई ऐसा सिलेंडर कंसिडर करें जिसकी लेंथ L है और जिसका रेडियस R है, जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है, तो अगर उसको अपन बहुत ध्यान से देखें तो इसके अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है वो लिखा जाता है ML² by 12 प्लस MR² by 4। हो सकता है आपने इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट को ना देखा हो कभी, तो इसका पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। अपन x पे जाके dx की एक स्ट्रिप लें जो कि डिस्क बन जाएगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट, देन यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस L/2 to L/2। दिस इज नॉट अ वेरी स्टैंडर्ड रिलेशन, अगर आपको आता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर आपको उसको पूरा x पे जाके dx की स्ट्रिप लेके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। खैर, अभी हमने माना कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, इसमें हमें पूछा गया कि इस आई की क्या मिनिमम, क्या रेशो हो एल बाई आर का, क्या रेशो हो एल बाई आर का कि आई मिनिमम हो, क्या हो आई मिनिमम। मिनिमम के लिए हमें पता है हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पर हम क्या चीज़ कांस्टेंट माने? जाहिर सी बात है हम वॉल्यूम एंड मास कांस्टेंट मानेंगे, तो वॉल्यूम और मास में, तो हम वॉल्यूम मान लेते हैं, जो अपनी वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एल। क्या है? पाई आर स्क्वायर एल। तो क्यों ना हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू रख दें वी बाई पाई एल, वी बाई पाई एल, जिसको उठा के यहाँ पे रख दिया जाए। अगर इसको यहाँ पे रख दिया जाए तो आपको दिखाई देगा कि I इक्वल्स टू ML² by 12 प्लस M V by 4 पाई L। अब आप ध्यान से देखें तो सिंपली I सिर्फ किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है? L का। किसका फंक्शन है? L का। बिल्कुल सही बात। अगर मैं इसको DI by DL निकाल के जीरो के बराबर कर दूं तो क्या मेरे को मिनिमम वाली वैल्यूज मिलने लगेंगी? बिल्कुल परफेक्ट। तो हम ऐसा मानते हैं कि DI by DL की वैल्यू हम निकालते हैं। जब हम DI by DL की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें दिखाई देगा M कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, तो अपन क्या करेंगे इसको अगर L के रिप्रेजेंटेशन में करें तो अपने को दिखाई देगा ML by 6 बिना किसी दिक्कत के। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे देखिए अपन 1/L MV/4L इज अ कांस्टेंट। 1/L का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? -1/L², यानी कि अपन ने क्या लिखा? अपन लिखा -M/4πL²V एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि हमें मिनिमम या मैक्सिमम की बात करनी है। MM अपना चला गया, बिल्कुल ध्यान से देखें अपन तो अपने को दिखाई देगा, इधर देखते हैं अपन सब लोग, अगर अपन बहुत अच्छे देखें तो अपने को दिखाई देगा क्या? देखें L/6 इक्वल्स टू V/4πL।
स्क्वायर। तो अपन ने अगर अपन बहुत ध्यान देखें तो अपने को इक्वल टू ये अपनी दोनों वैल्यूज बराबर दिखाई गई। अपन वी को क्या लिखें, हम देखो अच्छे से, अपने को देखो अपन यहाँ पे एल स्क्वायर लिख लिया, वी की वैल्यू को अपन क्या लिखें, वी की वैल्यू को लिख दिया अपन वापस पाई आर स्क्वायर एल। तो एल बाई सिक्स इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल बाई फोर पाई एल स्क्वायर। क्लियर है क्या एकदम? देखो अगर पाई ने पाई को मार दिया, बहुत अच्छे से देखें अपन, दिखाई दे रहा है अपने को, अगर अपन और ध्यान से देखें तो अपने को क्या दिख रहा है, ये आर स्क्वायर वैल्यू है और ये एल स्क्वायर वाली वैल्यू है। आर एल ने एल को भी अपने खत्म कर दिया, बचा क्या, देखो आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इक्वल्स टू अपने को क्या दिखाई दे रहा है, फोर बाई सिक्स। फोर बाई सिक्स अपने को किस चीज़ का रेशो पूछा गया है, अब से पूछा गया है रेशो एल बाई आर का। तो एल बाई आर का रेशो क्या है, रूट थ्री बाई टू, यानी कि इस वाले प्रश्न का उत्तर हुआ दो। Thank you.